नमस्कार, मैं कावेंद्र चौहान। राजनीति से जुड़े सारे एनालिसिस के साथ एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात होगी बंगाल की। बंगाल में विरासत पर सियासत जमकर हो रही है। इस सियासी जंग में आमने सामने है बीजेपी और टीएमसी। विरासत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच जब केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया तो ममता बनर्जी बौखला उठी। बीजेपी के पराक्रम दिवस के जवाब में उन्होंने नेताजी की जयंती को एक नया नाम दिया। उन्होंने नेताजी की जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। कोलकाता में पदयात्रा करके भारी जनसमूह के साथ मैसेज दिया कि नेताजी की विरासत पर अभी भी इतनी आसानी से बीजेपी कब्जा नहीं कर सकती। विरासत पर सियासत का इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस कई दशकों से गांधी की विरासत पर सियासत कर रही है। इसके जवाब में बीजेपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को अपना बना लिया। लौह पुरुष की एक बड़ी मूर्ति गुजरात में लगाई गई। नाम दिया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस नाम के सहारे पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की गई। चुनावी मौसम बदला तो प्रतीक बदलने की जरूरत पड़ी। बंगाल में नेताजी से बड़ा नाम कोई और नहीं हो सकता था, इसलिए नेताजी की विरासत को अपनाने की जंग शुरू हो गई। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने नेताजी के नाम पर ऐसा दांव खेला है कि सूबे की पूरी सियासत उन्हीं के आसपास घूमने लगी। प्रधानमंत्री के सामने ही भड़क उठी ममता बनर्जी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच गए। प्रोग्राम तो सरकारी था लेकिन राजनीति का बोलबाला दिखा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जय श्री राम के नारे लगने लगे। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर ममता बनर्जी नाराज हो गई। उन्हें जब भाषण देने के लिए बुलाया गया तो वह कहने लगी कि सरकार के कार्यक्रम की कोई डिग्निटी होनी चाहिए। ये सरकार का कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी के आभारी हूँ कि आपने कोलकाता में कार्यक्रम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रित कर उसे बेइज्जत करना आपको शोभा नहीं देता। मैं इसका विरोध करती हूँ और कुछ नहीं बोलूंगी। जय हिंद, जय बांग्ला। ये पूरी बातें ममता बनर्जी ने कही। गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। बीजेपी को चुनाव में ही बंगाल की क्यों याद आई? विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से पहले ममता बनर्जी ने कोलकाता के श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक एक पदयात्रा निकाली। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया तो उसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। इसमें गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु के लोग भी शामिल थे। वह हमेशा बांटी और राज करो, मतलब बांटो और राज करो की नीति के खिलाफ थे। बंगाल को और यहाँ की भावनाओं को बाहर के लोग नहीं समझ सकते हैं। बीजेपी की सरकार इतिहास बदलना चाहती है। नेता वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। बीजेपी को चुनाव में ही बंगाल की याद आई है। नेताजी हमारे लिए देश नायक हैं। नई पीढ़ी नेताजी को नहीं जानती है। नेताजी की मौत का सच उजागर होना चाहिए। चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। इस बार होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने अपने धुरंधर नेताओं को इस चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मैदान में उतारा हुआ है। मध्य प्रदेश के तेज तर्रार नेता कैलाश विजयवर्गीय कई वर्षों से राज्य में डेरा डाले हुए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार राज्य का भ्रमण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार रैली और जनसभाएं हो रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की बौखलाहट जायज लगती है। उनको पता है कि इस चुनाव में बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, इसलिए उनकी पार्टी टीएमसी भी कोई चूक नहीं करना चाहती। नेताजी के नाम के सहारे पार होगी चुनावी वैतरणी। भारत के राजनीतिक इतिहास को खंगालेंगे तो पाएंगे कि नाम की राजनीति बहुत अहम रही है। कांग्रेस नेहरू गांधी के नाम पर राजनीति करती रही है तो बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर। याद करें कि बीजेपी की राजनीति बुनियादी तौर पर, जो बीजेपी की राजनीति जो शुरू होती है वो बुनियादी तौर पर राम नाम पर ही मजबूत हुई थी। यूपी में शुरू हुई राम नाम की राजनीति की वजह से ही वह केंद्र में कई बार सत्ता का सुख भोग चुकी है। समय और जगह के साथ बीजेपी और प्रतीक चिन्ह भी बदल जाते हैं। यही बंगाल चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात में श्रीराम और सरदार पटेल थे तो बंगाल में श्रीराम और नेताजी। अब देखना दिलचस्प होगा कि नेताजी के नाम के सहारे क्या बंगाल में बीजेपी चुनाव वैतरणी पार कर पाती है या नहीं। बहरहाल बंगाल में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा।
तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़वेल इंडिया के साथ। धन्यवाद।